ESPN 9 News और मैं हूँ अनुश्रुति। अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार एक नहीं बल्कि दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी के अलावा एक और सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वो सीट कोई और नहीं बल्कि केरला की वायनाड सीट है। वायनाड के जो पूर्व सांसद थे उनकी 2018 नवंबर में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से ही खबरें आ रही थी कि 2019 में हो सकता है कि राहुल गांधी इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। यहां पर अगर वायनाड की सीट की बात की जाए तो ये कांग्रेस के लिए एक सुरक्षित सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर अगर वोट परसेंटेज देखें, अगर यहां की डेमोग्राफी देखें तो कहीं ना कहीं हिंदू पॉपुलेशन यहां पर 49% है और उसी में मुस्लिम पॉपुलेशन भी 49% है। तो कहीं ना कहीं ये सीट कांग्रेस के लिए एक सुरक्षित सीट मानी जा रही है और कांग्रेस का ये दावा है कि अगर यहां से राहुल गांधी खड़े होते हैं तो वो पक्का जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन ऐसे में जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों राहुल गांधी को दूसरी सीट की तरफ जाना पड़ा। अगर बात करें अमेठी की सीट की तो पिछले तीन लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी यहां से सांसद बने हैं, अमेठी के लोगों ने उन्हें हमेशा ही वोट दिया है। तो क्या इस बार क्या अलग हुआ कि राहुल गांधी को मजबूरन वायनाड की सीट से भी चुनाव लड़ना पड़ा। यहां पर अगर बात की जाए, अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी के खड़े होने के बाद से ही यहां पर देखा जा रहा था कि राहुल गांधी के वोट परसेंटेज में कमी आई है। जहां पर उन्हें पहले 71% वोट मिलते थे, वहां पर उन्हें पिछले लोकसभा चुनाव में 40-something के आसपास जो है वोट मिले हैं। तो इसमें क्या इस चीज से राहुल गांधी डर गए हैं, क्या स्मृति ईरानी के आने से राहुल गांधी डर गए हैं, क्या ऐसा हुआ है कि यहाँ पर स्मृति ईरानी जितने बार आई गई हैं और यहाँ पे जितनी भी बार उन्होंने दौरा किया है यहाँ का, उसके बाद लोगों से मिली हैं, इससे राहुल गांधी कहीं ना कहीं डर गए। क्या राहुल गांधी को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि स्मृति ईरानी या फिर मोदी लहर जो चल रही है पूरे उत्तर भारत में, उससे कहीं ना कहीं उनकी अमेठी की सीट को खतरा है। अगर अमेठी की सीट की बात की जाए तो अमेठी की सीट कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित सीट है। यहाँ पर सिर्फ दो बार छोड़कर बाकी हर बार कोई ना कोई कांग्रेस प्रत्याशी ही यहाँ पर जीता है। तो ऐसे में आप जब इतनी बड़ी सीट पर, इतनी सुरक्षित सीट पर बैठे हो तो आपको किस चीज का डर सता रहा है? क्या यहाँ पर स्मृति ईरानी से आप डर गए हो? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो प्रियंका गांधी जो कि राहुल गांधी की बहन है, वो भी अमेठी का दौरा की थी, वो भी यहाँ के लोगों से मिली थी, यहाँ पर अपने भाई को अपने भाई के लिए उन्होंने प्रचार किया था। तो यहाँ पर अब समझ में ये बात नहीं आ रही है कि राहुल गांधी को वायनाड की सुरक्षित सीट से लड़ने की क्या जरूरत पड़ी है। क्योंकि अगर बात की जाए मोदी की तो हर बार यही बोला गया है कि मोदी दो सीट से क्यों लड़ रहे हैं। मोदी के ऊपर सवाल उठाए जाते थे कि प्रधानमंत्री मोदी को दो सीट से लड़ने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर यही सेम सवाल राहुल गांधी से भी उठ रहा है कि आखिर आपको दो सीट लड़ने की क्या जरूरत थी। यहाँ पर अगर आप चाहते तो आप अमेठी की सीट से लड़ सकते थे। हाँ, ये बात हो सकती है कि अगर अमेठी में हवा पलटी, अगर यहाँ पर स्मृति ईरानी का जोर चल गया, अगर यहाँ पर कुछ अच्छा प्रचार हो गया तो हो सकता है कि अमेठी के लोग जो है आपसे हट जाए, इस बात का डर होगा राहुल गांधी को। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ देखा नहीं जा रहा था कि इतने जल्दी हवा बदलने वाली है या ऐसा कुछ, क्योंकि अगर ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करें जहां से हमारे रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया था, उन्होंने यही कहा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी कांग्रेस का ही परचम है। तो किस बात से डरे हैं राहुल गांधी, क्यों उन्होंने वायनाड की सीट को चूज किया है 2019 के लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब आपके पास यूपी में एक ऐसी सुरक्षित सीट हो जिस पर आज तक सिर्फ दो बार ही कोई हारा हो, तो इस पे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आपको अपने कैंपेनिंग पे इतना भरोसा है, अगर आपको अपनी बहन पर इतना भरोसा है, अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी के आने के वजह से यूपी में लहर बदल गई है, तो आपको कहीं ना कहीं ये भरोसा अभी भी अमेठी के लोगों पर दिखाना चाहिए था, उन पे ये भरोसा रखना चाहिए था कि अमेठी के लोग अभी भी आपके लिए कहीं ना कहीं विजेता आपको घोषित करेंगे। क्योंकि अगर अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में लोगों का कहना ये है कि हम
गांधी परिवार से सिर्फ दिल से नहीं जुड़े हुए हैं, यहाँ पर गांधी परिवार ने काम किया है इसलिए भी हम उन्हें वोट देते हैं। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन अब राहुल गांधी के दो जगह से चुनाव लड़ने पर शुरू हो गया है वो ये हो गया है कि भाई राहुल को आखिर दो सीटों से चुनाव लड़ने की जरूरत क्या थी? क्या यहाँ पर राहुल गांधी स्मृति ईरानी से डर गए हैं? क्या यहाँ पर राहुल गांधी मोदी प्रधानमंत्री मोदी के लहर से डर गए हैं? इसका आंसर तो सिर्फ अभी राहुल गांधी ही दे सकते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारे SPN9 न्यूज को देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।